मैं तुम्हें साथियों एक मैनेजर से संबंधित एक विशेष जो समस्या सामने आ रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब किसी कार्मिक की पहली बार ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं और उसका बिल ऑब्जेक्शन आ गया, अब इसको अदर सैलरी अदर रिक्वेस्ट से अगर बिल बनाना है उसको, तो उस बिल में क्या समस्या आ रही है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ और उस समस्या का क्या समाधान होगा। और जैसे कार्मिक के पूरे ग्रुप का बिल नहीं बना हुआ है तो उनके बिल बनाना है, तो सबसे पहले जो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के मार्च मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2022, उसके बाद में ग्रुप का नाम लेना है, उसके बाद उस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉई है उन एम्प्लॉई के क्लिक करना है और उसके बाद में ये रीजन पूछ रहा है तो उसमें रीजन लिखना है कि ऐसे ही डिडक्शन से संबंधित समस्या आती है तो ऐसे ही डिडक्शन के बारे में लिख दीजिए, ऐसे ही डिडक्शन नॉट प्रॉपर। और उसके बाद में आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसके पूरे वीडियो डेज के लिए तो 31-31 दिन का महीना था। डॉक्यूमेंट टाइप में आप कुछ भी इसके बारे में डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हो तो उसको मिसलेनियस में जाकर के जो वीडियो का लेटर है उससे संबंधित वो आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस में आपको बता देता हूँ किस तरह से हुआ ये। उसके बाद में जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया वीडियो का जो लेटर था और सबमिट कर रहे हैं तो जो समस्या आ रही है सामने वो ये आ रही है कि ये सबमिट करते ही ये ऑप्शन आ रहा है कि पे मैनेजर सेज एसआई पॉलिसी नंबर इज मैंडेटरी फॉर 2017 यानी जो एसआई की जो कटौती करनी है उसके लिए ये पॉलिसी एसआई नंबर पॉलिसी नंबर जरूरी है, तो इस कारण से ये बिल एलोकेट या अदर रिक्वेस्ट हो ही नहीं रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है अदर सैलरी जो रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए अब क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा तो उसके बारे में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मैं अब इसका अगला स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था इस समस्या के समाधान के लिए अब आपको डीडीओ के एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन होना है और न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर आना है और यहाँ आने के बाद में आपको स्विच रोल पे क्लिक करना है और यहाँ स्विच रोल में आपको डीडीओ रोल सेलेक्ट करना है और डीडीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद में आगे का स्टेप क्या होगा मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो गौर से देखना तभी ये समस्या समाधान हो पाएगा। अब इसमें एम्प्लॉय पे जा करके आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय का, अब एम्प्लॉय में प्रोफाइल पर क्लिक करना है आपको और इसमें अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा तो मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को। अब जैसा कि मैं बता रहा था आपकी यहाँ आपको सर्च करना है तो भाई एम्प्लॉय नेम सर्च करेंगे तो पूरी लंबी लिस्ट आ जाएगी, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी के नाम से सर्च करना है, तो एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ दर्ज कर रहा हूँ। एक बार एम्प्लॉय आईडी ऐसे आप सर्च करेंगे तो तुरंत सर्च हो जाएगा, तो एम्प्लॉय आईडी आपकी कार्मिक यहाँ आपको डालनी है, उसके बाद में आगे सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आपके सामने आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे तो ये नाम आ जाएगा। अब यहाँ जो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है एडिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ आपको क्लिक करना है, उसके बाद में एम्प्लॉय की डिटेल सारी उसमें शो हो जाएगी, नाम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर या रिलेशन जो भी है वो हो जाएगा, उसके बाद में पैन नंबर वगैरह सारा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको स्कीम डिटेल पे जाना है, स्कीम डिटेल पे आपको जीपीएफ पे जैसे आईडी जो लिखी हुई है वो आ रही है एनपीएस में आ रही है, जीपीएफ 2004 में एक आ रहा है और डेट ऑफ एक्टिवेशन आ रही है। अब यहाँ एसआईपी के सामने आप देखेंगे तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है, तो एडिट ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करते ही आपको एसआई जो पॉलिसी नंबर है अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ डिफॉल्ट जैसे मार्च से शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ मार्च 2003 करना है। मैं इसको एक बार आपको करके बता देता हूँ, जिप्सी और 2022 आप यहाँ लिख करके डेट ऑफ एक्टिवेशन है आप कैलेंडर से सिलेक्ट करें तो एक अप्रैल कर दें इसको, अब जब सबमिट करेंगे तो सबमिट ये सक्सेसफुली हो जाएगा, डेट आ गई और यहाँ से इसको फाइनल सबमिट करना है और जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ से जिनकी जो डेट है वो यहाँ जो एसआई नंबर जो थे
इसमें आ रहा था कि ऐसे ही नंबर मैंडेटरी है, तो यहाँ ऐसे ही नंबर इसमें एंटर हो जाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको वापस दोबारा बताऊंगा, तो इस बार ये सबमिट हो जाए, उसके बाद फिर आगे दूसरे स्टेप में चलते हैं। ये आपके आगे डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी ये सबमिट हो गया है। अब इसको आप दोबारा चेक करना चाहें तो मैं एक बार आपको कन्फर्म करके बता देता हूँ कि जैसे इनके नंबर आ गए या नहीं आए, तो आईडी डाल के आपको दोबारा इसको करना है। यहाँ आकर के आप देखेंगे तो इस कॉन्टैक्ट बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, सर्विस डिटेल है, और स्कीम डिटेल जो है, स्कीम डिटेल में आपके जो एसआई का जो यहाँ था, एसआई पे जहाँ 0 आ रहा था वहाँ आपके 03202 आ गया है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है, यानी यहाँ से लॉगआउट कर देना है, और लॉगआउट करने के बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एसओसीओ के बाद में आपको पे मैनेजर पे जाना है, और पे मैनेजर पे भी आपको पर्सनल पे मैनेजर पे जाना है। वहाँ एम्प्लॉय की पर्सनल जो आईडी है वहाँ से उसको आपको रिक्वेस्ट भेजना है। तो मैं पे मैनेजर पर्सनल पे लॉगिन करके आपको फिर वापस वीडियो बताता हूँ, तो बने रही वीडियो में। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अब इसमें एम्प्लॉय पर्सनल लॉगिन में जा करके आपको एम्प्लॉय मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में जाना है। उसके बाद में अपडेट स्कीम रिपोर्ट में जा करके आपको, या नंबर रिक्वेस्ट है उसमें जा करके आपको ये एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, जीपीएफ, और इसमें वैसे तो ऐसे पॉलिसी का नाम 03202 आ गया है, लेकिन यहाँ एडिट ऑप्शन करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। और यहाँ अपडेट में करेंगे तो आपको यहाँ एक तो वो लोग टीवी जनरेट मांगेगा, और यहाँ चूज फाइल मांगेगा, तो आपको पहले चूज फाइल करनी है, और यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज करके इससे संबंधित कुछ नहीं होता, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको कर सकते हैं। और अब जैसे ये जनरेट ओटीपी का आएगा, तो यहाँ आपको एक बार बार ओटीपी मांगेगा, तो आपको ओटीपी इसमें बतानी है। तो मैं इसमें ओटीपी क्लिक के लिए आपको दोबारा जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से ओटीपी जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, और 2 मिनट के अंदर आपको ये वापस प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, नहीं तो उसके बाद वापस ये लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको ओटीपी तुरंत बतानी है, 2 मिनट में जब ओटीपी आ जाती है तो आपको वेट करना है। जब ओटीपी आ जाए तो आपको ये ओटीपी एंटर करनी है, जैसे ये ओटीपी आ गई तो मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ओटीपी नॉट मैच आ रहा है, इसका मतलब ओटीपी में फर्क आ रहा है, तो दोबारा मैं एंटर कर रहा हूँ 0। उसको फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो फाइल को दोबारा सिलेक्ट करना, क्योंकि ओटीपी गलत हो गई तो फाइल ये दोबारा सिलेक्ट का ऑप्शन मांग रहा है, तो ये फाइल दोबारा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ सबमिट करेंगे, तो ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है ये यहाँ फॉरवर्डेड टू डीडीओ, ये डीडीओ इसको फॉरवर्ड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको डीडीओ लॉगिन पे जा करके बता रहा हूँ। तो यहाँ एम्प्लॉय लॉगिन को, जो आपका जो भी एम्प्लॉय लॉगिन का जो ऑप्शन था, इसको आपको लॉग आउट करना है, उसके बाद में आपको डीडीओ लॉगिन पे चलना है, और डीडीओ लॉगिन पे आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ डीडीओ लॉगिन पे कैप्चा कोड भर करके वो लॉगिन हो जाना है, और डीडीओ लॉगिन के होने के बाद में मैं आपको आगे का स्टेप बता। तो जैसे कि ये डीडीओ लॉगिन पे पहुंच चुके हैं, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो मैं आगे का स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ डीडीओ लॉगिन में ऑथराइजेशन में जा करके आपको एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल पे क्लिक करना है, तो यहाँ जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है यहाँ आपको व्यू करना है, और जो भी एम्प्लॉय ने जो भी भेजा है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आपको चेक करना है ऐसे पॉलिसी नंबर इसमें ऊपर वाले में नहीं थे, जबकि नीचे वाले में 03202 आ गया है, तो ये आपको देखना है। आप इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, जो व्यू डॉक्यूमेंट या डाउनलोड है, तो डाउनलोड करके आपने जो डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया था वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको यहाँ से व्यू के नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है अप्रूव, तो अप्रूव करके आपको यहाँ ये पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू अप्रूव, तो आपको यस करना है, ओके करना है, और ये मैसेज आ जाएगा डाटा अप्रूव सक्सेसफुली, यानी आपका जो ये अप्रूव हो गया है। अब ये एचओडी के पास जाएगा, और एचओडी से कुछ ही घंटों के अंदर अप्रूव हो जाएगा, तो एम्प्लॉय के नाम में ऐसे नंबर जुड़ जाएगा। अब मैं इसको एक और आपको बता दूं कि इसको कहाँ चेक करेंगे कि एचओडी रिक्वेस्ट गया है या नहीं गया, तो इसमें डीडीओ
रिलेटेड रिपोर्ट है, और डीडीओ में भी इसमें वो देख के एक बार बता दो कि एचओडी रिपोर्ट सी आ रही है। एचओडी रिपोर्ट्स में आपको ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस आप चेक करेंगे तो इसमें आपको ये बता देगा। तो एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ एम्प्लॉय नाम से सर्च करके, अगर मैं यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो ये नाम जैसे आ गया, अभी उसको नो रिक्वेस्ट आ रहा है। तो मैं दूसरा जो तरीका है उसमें रिपोर्ट्स में जा करके आपको एचओडी रिपोर्ट्स में डीडीओ स्टेटस रिपोर्ट्स को चेक करना है, और इसमें ऑल करेंगे आप तो सारे शो हो जाएंगे इसमें, जो पेंडिंग है, अप्रूव है या रिजेक्टेड है, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और पीडीएफ में आपको अभी जो लेटेस्ट वाला जो भी है, ये सबसे नीचे वाला जो इसमें आ जाएगा, या इसमें आ रहा है, तो मैं इसको एक बार एम्प्लॉय की डिटेल में जा करके मैं देखता हूँ कि एम्प्लॉय डिटेल में ये अप्रूव हुआ या नहीं। और थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कई बार तुरंत हो जाता है। तो आपको मास्टर में जाकर के, एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, जो भी राइट साइड में लिस्ट दी हुई है, और एम्प्लॉय में लिस्ट में जाकर के आपको एम्प्लॉय नंबर्स पे क्लिक करना है। और एम्प्लॉय नंबर्स पे आपको अभी ये नहीं हुआ है, तो जब तक ये वहाँ से होगा तभी ये यहाँ जो ऐसे नंबर अभी खाली आ रहे हैं, ये जब वहाँ से एचओडी जो रिक्वेस्ट है वो हो जाएगा तब ये होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले मैं पूरा स्टेप बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एसोसो आईडी में जाना है, उसमें डीडीओ की एसोसो आईडी से लॉगिन करके आपको डीडीओ रोल में जाना है। डीडीओ रोल में जाने के बाद में आपको वहाँ से, डीडीओ रोल में जाने के बाद में आपको सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉय के जो भी एस आई में जा करके आपको वहाँ उसके डिफॉल्ट जो भी है 03 और जो या मार्च 2022 करके आपको उसको एस आई नंबर अलॉट करना है, और उसके बाद में उसको सेव करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय के पर्सनल डिटेल में जाना है, पर्सनल में जा करके आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है एस आई नंबर अपडेट का, और उसका जो रिक्वेस्ट है वो एचओडी को भेजना है, सॉरी डीडीओ को भेजना है, और डीडीओ के लॉगिन में वापस जा करके आपको ये रिक्वेस्ट एचओडी को भेजना है। एचओडी से जब अप्रूव हो जाएगा 2-4 घंटे में, जब भी अप्रूव होगा तब एम्प्लॉय का जो भी है वो नाम, वहाँ जो भी नंबर ऐसे नंबर आपने डाले थे डिफॉल्ट वो शो हो जाएंगे, और जब भी ऐसे का पहला बिल बनेगा उसके साथ ये नंबर अपडेट हो जाएंगे, उसके नए नंबर ऐड हो जाएंगे। तो दोबारा नए नंबर जो अपडेट करने हैं उसका भी तरीका यही होगा। तो इस तरह में इस पूरे प्रोसेस को मैंने स्टेप वाइज बताया है। अगर कोई समस्या आ रही हो या कोई इस बात समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।